आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे आम के बारे में मुफीद मालूमाती वीडियो। आम गर्मियों का वो वाहिद फल है जिसे मिठास और जायके में फलों का बादशाह भी कहा जाता है। ये अगरचे कच्चा हो तो केरी की सूरत में अचार बनाकर खाया जाता है, और अगर पका हुआ हो तो जूस और मुरब्बे, चटनियाँ और फ्रूट चाट में मिलाकर खाया जाता है। आम गर्म इलाकों की पैदावार है। पाकिस्तान मुतअद्दिद फलों खसूसन आम की पैदावार के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया में पैदा होने वाले दीगर आमों के मुकाबले में पाकिस्तानी आम अपनी मिसाल आप ही है। पाकिस्तान में आमों की ज़्यादातर पैदावार पंजाब और सिंध से हासिल की जाती है। पाकिस्तान में आमों की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं और इस फल को बरामद करके जर्र मुबादला भी कमाया जाता है। आमों की वैसे तो 200 से ज़ायद इकसाम हैं, जिनमें से मशहूर इकसाम ये है: सिंदड़ी, नीलम, चौंसा, अनवर रटोल, लंगड़ा, जाफरान, सरोली, देसी, गुलाब खासा, अनफानसो, अलमास, बैगन फली। चौंसा ज़्यादा मशहूर है। आम खरीद कर लाएं तो सबसे पहले पानी में 2 घंटे भिगो दें, फिर फ्रिज में रखें या काट कर खाएं। इस तरह से आम के अंदर मौजूद गर्मी निकल जाती है। अमूमन शहरों में जो आम आता है वो कार्बेट लगाकर पकाया जाता है। अगर आम का छिलका पीला या जर्दी माइल हो तो समझ लें कि अब आम खाने के काबिल हो गया है। लेकिन कुछ आम ऐसे भी होते हैं जिनके छिलके हरे होने के बावजूद अंदर से मीठे होते हैं। आम के बड़े बड़े दरख्त होते हैं, पहले इनमें फूल लगते हैं, फिर उनमें छोटे छोटे आम, जिन्हें हम केरी भी कहते हैं, उगते हैं। थोड़े ही अरसे में ये आम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कहते हैं आम को बारिशों के बाद ही खाना चाहिए। आम को खाने के भी बहुत से तरीके हैं। कोई इनको दूध में मिलाकर जूस बनाता है, कोई फ्रूट चाट, अचार, मुरब्बे या जैम बनाकर खाता है। आम सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल भी है, पर गरीब तबका इससे महरूम रह जाता है, क्योंकि इसके दाम बहुत महंगे होते हैं। अब सीखते हैं कुछ आम की काश्त के बारे में कि किस तरह काश्त करते हैं और कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम आम का बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बाग लगाने की जगह, वैरायटी का इंतखाब, मिट्टी और पानी का तजिया बहुत जरूरी है। नया बाग लगाने के लिए प्लानिंग ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? नया बाग लगाने के लिए कतार से कतार 27 फीट और पौधे से पौधे का फासला 22 फीट रखा जाता है। आम के बागात की आप पाशी कब करनी चाहिए? जब आम के पौधे की छतरी के नीचे जमीन का 3/4 हिस्सा खुश्क हो जाए तो फौरन आप पाशी की जाए, जबकि इसका दौरानिया जगह जमीन और दर्जा हरारत पर मुनहसिर है। आम के बागात में खाद डालने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? उसका बेहतरीन वक्त फल की बर्दाश्त के बाद का है, जिसमें 70% नाइट्रोजनी, 100% फास्फोरस और 50% पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मादा नाइट्रोजन फूल आने पर और पोटाश फल बनने के बाद डाली जाती है। फल की नशोनुमा में बोरान क्या किरदार अदा करता है? बोरान पोलन ट्यूब की नशोनुमा में मदद करता है। अमल जेरगी और फर्टिलाइजेशन के अमल के दौरानिये को कम कर देती है। बोरान की कमी से फल कम बनता है और ज़्यादातर गिर जाता है। बागात को कोहरे से बचाव की एहतियाती तदाबीर कौन सी है? आम के पौधे में कोहरे और ठंड को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती है, इसलिए मौसम सरमा से कबल आप पाशी को रोक कर उनको कोहरे और ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता है। छोटे पौधे को मुकम्मल तौर पर ढांपने से कोहरे से बचाया जा सकता है। अगरचे दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड से नीचे जाने का खतरा हो तो हल्की आपपाशी भी की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ
हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।